फ्रेंड्स, इस सेक्शन में हम लोग बात करने वाले हैं वात्यावट्टी क्या होती है। कमेंट आया था कि वात्यावट्टी पर वीडियो बनाओ। तो जनरली ये जो वात्यावट्टी है वो क्या होती है, धातु का निष्कर्षण शुद्ध करने की एक प्रोसेस होती है, भट्टी होती है। और ये छोटी भी होती है, बड़ी भी होती है। इसकी लंबाई कितनी होती है, चौड़ाई कितनी होती है, किन किन तत्वों का इससे निष्कर्षण होता है और कौन कौन सी रिएक्शन होती है, वो पढ़ेंगे इस वीडियो में। ओके, तो ये जो फिगर देख रहे हैं आप, ये है वात्यावट्टी, जिसको इंग्लिश में फाल्ट फर्नेस बोलते हैं। और ये भी पढ़ेंगे कि इसमें इसका टेम्परेचर कितना होता है। ओके, तो ये जो पार्ट है इसको बोलते हैं कप एंड कोन अरेंजमेंट। कप एंड कोन अरेंजमेंट, कप एंड कोन अरेंजमेंट। ओके, और ये जो देख रहे हैं आप, ये इसको बोलते हैं चार्ज, और हिंदी में इसको धान बोलते हैं, चार्ज। तो जनरली चार्ज में क्या क्या होता है वो देख लेते हैं। तो इसमें चार्ज में आता है Fe2O3 रहता है प्लस, इसमें रहता है कैल्शियम कार्बोनेट, कार्बन भी रहता है प्लस कैल्शियम कार्बोनेट। इसको हिंदी में धान भी बोलते हैं चार्ज को। ओके, और ये जो देख रहे हैं ये वेस्ट गैसेस को बाहर निकालने की कार्य करती है, ये जो नली है, वेस्ट गैसेस को बाहर निकालने की कार्य करती है। और यहाँ से क्या होता है, यहाँ से हॉट एयर ब्लोअर, गर्म हवा को निकालने के भी कार्य करती है ये। और ये जो पार्ट देख रहे हैं इसको बोलते हैं स्लैग, स्लैग जिसको धातमल भी बोलते हैं। और ये जो नली देख रहे हैं इसे एग्जिट निकलती है, अशुद्धियाँ इसे बाहर निकाली जाती हैं। और ये जो देख रहे हैं इसको, ये मेल्टेड आयरन होता है, पिघली हुई लोहा होती है। ओके, और सेम ये भी हॉट एयर ब्लोअर होता है यहाँ पर, और इसको बोलते हैं हपर, हपर। हपर ओके, हपर क्या होता है यहाँ पर जो देख रहे हैं, ये समझिए साइकिल है, रिंग है, और इससे ये जुड़ा हुआ है। इसमें मान लीजिए कोई रस्सी है, यदि हम इसको ढीला करते हैं ओके, तो ये नीचे आएगी। और इसमें टेम्परेचर कितनी होती है वो लिख लेते हैं। तो जनरली इसमें टेम्परेचर 200 से 1600 डिग्री सेल्सियस के मध्य होती है। तो इसको लिख लेते हैं ऐसे, यहाँ पर लिखा जाता है डिग्री सेल्सियस में, जितनी टेम्परेचर लिखाएगी वो डिग्री सेल्सियस में रहेगी। 200 से या 400 डिग्री सेल्सियस, फिर 600 डिग्री सेल्सियस, फिर 800 डिग्री सेल्सियस, फिर 1000 डिग्री सेल्सियस, फिर 1200 डिग्री सेल्सियस, 1200 डिग्री सेल्सियस, फिर 1400 डिग्री सेल्सियस, और लास्ट में होती है 1600 डिग्री सेल्सियस। इसका मेन टेम्परेचर इसका इतना ही होता है। ओके, और जितना भी टेम्परेचर है वो डिग्री सेल्सियस में है, टेम्परेचर जो है वो डिग्री सेल्सियस में है। तो यदि क्या करेंगे हम, यह हापर को यदि नीचे करेंगे तो इसमें जो चार्ज है ये Fe2O3 प्लस कार्बन प्लस कैल्शियम कार्बोनेट, वो जब इसको नीचे करेंगे तो यहाँ पर ये ज्वाइंट रहता है, तो इसमें से जो चार्ज होगी वो आएगी यहाँ पर, और फिर यहाँ से हीट होकर वाष्प के रूप में बाहर जाएगी, और जो वेस्ट गैसेस होगी वो इस रास्ते से बाहर निकल जाएगी। ओके, और लास्ट में यहाँ पर एग्जिट जो अशुद्धियाँ होगी वो यहाँ पर बच जाएगी, और जो स्लैग और धातुमल यहाँ पर हो जाएगा, और जो बचेगा शेष वो पिघली हुई धातु बचेगी। ठीक है, और इसमें जनरली ये जो भट्टी होती है इसको डिवाइड किया गया है टू पार्ट में। फाल्ट फर्नेस को टू पार्ट में डिवाइड किया गया है, फर्स्ट स्मॉल और सेकंड बिग। एक बड़ा होता है और एक छोटा होता है। ठीक है, तो स्मॉल में जनरली जो आयरन मेटल होता है Fe, इसका निष्कर्षण किया जाता है, और जो बिग वाला होता है इसमें कॉपर एंड Pb, लेड का निष्कर्षण किया जाता है इसमें।
और ये जो वात्या भट्टी है, ये चिमनी के आकार, जो ईट पकाने की जो चिमनी होती है ठीक, उसी प्रकार की होती है। और इसकी जो लंबाई होती है मैक्सिमम, वो जो इसकी लंबाई होती है, यल लंबाई, लंबाई को यल से डिनोट करते हैं, लंबाई इसकी लगभग 50 मीटर से 60 मीटर के मध्य होती है। और जो इसकी चौड़ाई होती है बी, ओ यहाँ पर लिख लेते हैं चौड़ाई, इसकी जो चौड़ाई होती है वो लगभग 6 से 8 मीटर के मध्य होती है। वात्यावट्टी। और ये जो वात्यावट्टी है उसमें जनरली जो रिएक्शन होती है स्मेल्टिंग, और वात्या सबसे पहले जब कॉपर धातु का जब निष्कर्षण किया जाता है, आपने पिछली वीडियो में पढ़ा होगा, तो उसमें अयस्क के साथ सांद्रण किया जाता है, फिर उसका सांद्रित अयस्क का भर्जन किया जाता है। तो सांद्रित अयस्क के भर्जन से हमको लास्ट स्टेप में ए मिलता है, कॉपर ऑक्साइड। ए अब कॉपर ऑक्साइड इसमें क्या होता है, जनरली स्मेल्टिंग की प्रक्रिया होती है पगलन की, तो जो मिलता है कॉपर ऑक्साइड और उसको फेरस सल्फेट के साथ रिएक्शन करा देते हैं, तो हमको मिल जाता है यहाँ पर कॉपर सल्फाइड और प्लस आयरन सल्फाइड मिल जाता है। अब आयरन ऑक्साइड को सिलिका के साथ, ये जो फार्मूला देख रहे हैं SiO2, इसको SiO2 जो फार्मूला है O2, इसको कहते हैं बालू, या फिर इसी को कहते हैं सिलिका, सिलिका या बालू का फार्मूला यही होता है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, आयरन ऑक्साइड की रिएक्शन करा देते हैं SiO2 से, तो हमको मिल जाती है धातुमल या फिर SiO3। जो धातुमल यहाँ पर ये जो बचती है इसी को बोलते हैं धातुमल। तो ये जो वात्याभट्टी आप देख रहे हैं वो जनरली एग्जाम में पूछता है कि वात्याभट्टी क्या होती है, उसकी संरचना बताइए और उसके नाम बताइए और उसकी कार्यविधि को समझाइए। तो हम इस वीडियो में हम कितना आसानी से पढ़ लिए हैं कि वात्याभट्टी क्या होती है। जनरली जो कॉपर होते अयस्क होते हैं उनकी शुद्धिकरण करने की एक प्रोसेस होती है, एक भट्टी होती है, जिस प्रकार से परावर्तनी भट्टी होती है। तो इसमें इसको डिवाइड किया गया है 2 पार्ट में, स्मॉल में और बिग में। तो स्मॉल वाला जो होता है भट्टी, और उसमें आयरन धातु का निष्कर्षण किया जाता है, और जो बिग वाला होता है उसे कॉपर और लेड का निष्कर्षण किया जाता है। और इसकी जो विशेषता ये रही कि यहाँ पर जो चार्ज होता है, जिसको हिंदी में धान बोलते हैं, या फिर 2O3 और प्लस कार्बन प्लस कैल्शियम कार्बोनेट, वो यहाँ पर पैक होती है। और जो ये हापर लगा होता है इसमें, हापर, इसको हम यदि नीचे रिंग के माध्यम से नीचे करते हैं, तो इसमें से जो चार्ज होगी अयस्क के महीन कण होंगे वो धीरे धीरे नीचे आएंगे और यहाँ पर एकत्रित हो जाएंगे। और यहाँ से जब हीट करेंगे तो जो वेस्ट गैसेस होगी यहाँ से बाहर निकल जाएगी, और यहाँ से हम गर्म वायु इसमें प्रवाहित कर देते हैं, जैसे हॉट एयर ब्लोवर है, इसका मीन्स यह है कि इसमें से हम गर्म वायु का झोंका प्रवाहित करते हैं। तो ये धीरे धीरे इसमें की जो अशुद्धियाँ होती है वो वेस्ट गैसेस के रूप में बाहर निकल जाती हैं, और जो शुद्ध आयरन बचता है वो यहाँ पर एकत्रित हो जाता है। और यहाँ से एग्जिट निकल जाती हैं, अशुद्धियाँ जो होती है वो बाहर निकल जाती हैं। और इसमें जितना भी टेम्परेचर है, टेम्परेचर पूछता है वात्याभट्टी में टेम्परेचर कितनी होती है, तो वात्याभट्टी में जो टेम्परेचर होती है मिनिमम 200 डिग्री सेल्सियस होती है और मैक्सिमम 1600 डिग्री सेल्सियस होती है, 1600 डिग्री सेल्सियस होती है। और ये जो वात्याभट्टी है और जो इसमें टेम्परेचर होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस में होता है, और इसकी लंबाई जो होती है और एक चिमनी के बराबर लगभग 50 से 60 मीटर तक होती है, और इसकी जो चौड़ाई होती है वो जनरली 6 से 8 मीटर के मध्य होती है। तो इस वीडियो में हम क्या क्या पढ़े हैं, वात्याभट्टी क्या होती है, उसके कितने पार्ट हैं, और उसमें जो रिएक्शन होती है ये याद करेंगे, जो रिएक्शन है स्मेल्टिंग, इसको हिंदी में बोलते हैं प्रगलन, स्मेल्टिंग को हिंदी में बोलते हैं प्रगलन। तो ये रिएक्शन प्रगलन की होती है, और ये जो प्रगलन में जो आता है कॉपर ऑक्साइड, वो जनरली जो परावर्तनी भट्टी होती है और उसमें जो रिएक्शन होती है परावर्तनी भट्टी में, वहाँ से ये हम लेते हैं यहाँ से, और इसमें आयरन सल्फाइड से जब रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पर कॉपर सल्फाइड मिल जाएगा,
और आयरन ऑक्साइड बना लेगा। और फिर आयरन ऑक्साइड को SiO2 के साथ जब रिएक्शन कराएंगे तो जो धातु मल होगा वो बाहर निकल जाएगा। ओके, और तो वीडियो कैसा लगा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक्स।